जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में जबरदस्त भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता से आए भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लगी। भूकंप में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 88 लोग घायल हो चुके हैं। तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप के बाद फुकुशिमा शहर में बिजली चली गई। भूकंप के झटके टोक्यो तक महसूस किए गए। तो जापान में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई। ये भूकंप के झटके सामान्य से कहीं ज्यादा है। जापान में एक के बाद एक लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप रात करीब 8:06 पर आया, जिसका केंद्र जापान की राजधानी टोक्यो के 297 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। जोरदार झटकों के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है और जो तस्वीरें वहां से मिल रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे घर में चीजें हिलती हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो भूकंप का केंद्र समुद्र से 60 किलोमीटर नीचे था। ये वही क्षेत्र है जो अब तक 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप और सुनामी झेल चुका है। हालांकि बुधवार को महसूस हुए भूकंप के झटकों में फिलहाल किसी भी तरह की एक जिस तरह की हम त्रासदी देख रहे हैं, 2 लोगों की मौत और 88 लोगों के घायल होने की फिलहाल खबर मिल रही है। और वहीं भूकंप के इन झटकों के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में भी अंधेरा छा गया। भूकंप के बाद करीब 20 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.3 जापान में आया ये जबरदस्त भूकंप। तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आप देखिए किस तरह से सड़क पर ये स्ट्रीट लाइट्स हिलती हुई नजर आ रही हैं, घर में रखी चीजें इस तरह से हिल रही हैं।